आधुनिक दौर में बेतहाशा चलने वाले बिजली परियोजनाओं ने पौष्टिक आहार देने वाले घराटों को लुप्त कर दिया है। सदियों से पहाड़ी इलाकों में पंचक्की के चलने वाले घराट अब कहीं भी दिखाई नहीं देते। गौरतलब है कि 80 से 90 दशक में हंडोर रियासत के नदी नालों में मौजूद घराटों में स्थानीय लोगों का तांता लगा रहता था। लोग 6 महीने का आटा सत्तू इन्हीं घराटों में तैयार किया करते थे, लेकिन अब हंडूर के लोगों ने घराट की ओर रुख करना ही बंद कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। सदियों से पहाड़ी इलाकों में पंचक्की से चलने वाले घराट लोगों को पौष्टिक आटा देकर जीवन प्रदान करते थे, लेकिन सरकार और प्रशासन की अनदेखी के चलते अब घराट संस्कृति आखिरी सांसें गिन रही है। दरअसल आटा पीसने के सैकड़ों घराट उजड़ चुके हैं और जो बचे हैं अधिकतर समय उन पर ताला बंद रहता है। घराटों के उजड़ने का सबसे बड़ा कारण है आधुनिकता की दौड़ में बेतहाशा चलने वाली बिजली परियोजनाएं। दरअसल बिजली परियोजनाएं चलने से इतना पानी नहीं बचा कि घराट निरंतर चल सके। भले ही घराट में पिसा आटा पौष्टिक हो, लेकिन हंडूर के लोगों ने अब घराट की ओर रुख करना बंद कर दिया है। इसका सीधा असर घराट संचालकों पर पड़ा है। घराट संचालक बेरोजगार हो गए हैं। वहीं घराट चलाने वाले गुरमीत सिंह का कहना है कि चक्की में आटा पीसने से उसमें मौजूद सभी पौष्टिक आहार नष्ट हो जाते हैं। लगभग 25 साल तो मेरे को हो गए चलाते हुए घराट, और पहले मेरे फादर चलाते थे, उन्होंने भी कोई ज्यादा तो 60-65 साल घराट चलाया हुआ है, उसके बाद मैं चलाता हूँ। और घराट का आटा है जो बहुत ही पौष्टिक होता है, जैसे मशीन जो चक्की होती है उससे बढ़िया आटा होता है इसका। जैसे जो आटे का पौष्टिक होता है जो चक्की जो है जला देती है उसको। नालागढ़ के आयुर्वेदिक अस्पताल के डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि लोगों में बढ़ रही पेट की समस्याएं पहले नहीं होती थी, क्योंकि घराट का आटा बहुत पौष्टिक होता था। इस विभाग में मुझे लगभग 20 साल हो गए। बिल्कुल सच्चाई है, आज जितनी भी समस्याएं पेट की हो रही हैं, जितना हम फाइन चीजें ले रहे हैं, चाहे वो मिल का है या मैदा है, तो सबसे बड़ी समस्या वही आज, जिसमें मैं ज्यादा लोगों को पता नहीं है, आजकल जिसको बवासीर बोलते हैं, इवन और पेट के बहुत सी बीमारी, तो जितना इससे पहले लोगों को ऐसी बीमारियां बहुत कम हुआ करती थी, क्योंकि ये घराट का आटा या जो हमारे मोटी अनाज दालें या मोटा आटा, ये फाइबर युक्त होता था। न सिर्फ रोजगार की दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य के नजरिए से भी घराट का बहुत महत्व है। वहीं बड़े बुजुर्ग जिन्होंने घराट के आटे का इस्तेमाल किया है वो आज भी उन्हें याद करते हैं और कहते हैं कि अगर सरकार सहयोग करे तो घराट के साथ बिजली उपकरण लगाकर बिजली भी पैदा की जा सकती है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। जनता टीवी के लिए बद्दी से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट।